शराब का है सुनील जायसवाल, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रशासन जाग उठा है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50,000 की अवैध शराब को बरामद किया है। पकड़ी गई शराब छुपाकर सप्लाई की जा रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13,800 लीटर अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को भी धर दबोचा है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया आरोपी आनंद सिंह है उसका नाम, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा जाना कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी सवाल उठाता है। निर्देशन में SHO इंदिरा नगर संतोष कुशवाहा और इनकी टीम ने गुड वर्क किया है। सूचना मिली थी कि एक ट्रक HR46C4189 इसमें शराब की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया गया है और इसमें देखा गया कि नीचे भूसा था, फिर अवैध शराब थी और ऊपर से फिर भूसा था। मौके पर ही जो ड्राइवर अभियुक्त है आनंद सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इस ट्रक में 1100 पेटी शराब मिली, जिसमें लगभग 55,200 पौवे थे और ये 13,800 लीटर लगभग ये शराब है, जिसकी कीमत 45 लाख से 50 लाख के बीच में है। इनके दो और अभियुक्त हैं, वो अभी फरार हैं। इनके नाम हैं विकास और धर्मवीर। और इस पूरे नेटवर्क को और हम लोग कई सबूत हम लोगों को मिले हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। फिलहाल इसमें जो है अंतर्गत धाराएं एक्साइज एक्ट की और 420/67/68/71 क्लेम की गई हैं। 72 एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो है इस ट्रक को भी सीज किया जाएगा।